100 ग्राम सोयाबीन ले लेंगे, चम्मच नमक और 1 लीटर पानी। इसमें सोयाबीन डाल देंगे, घंटे के लिए साइड में रख देंगे। एक टोप में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। दो तेज पत्ता, 8 से 10 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चक्री फूल और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा तेल में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 4 कटी हुई प्याज, 1 प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है हम एक मसाला पीस लेंगे। 1 कटी हुई प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 12-15 कली लहसुन और गरम मसाला ले लेंगे। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 1 छोटा सा जायफल का टुकड़ा। पीसने के टाइम पर छोटी इलायची और बड़ी इलायची का छिलका निकाल देंगे। इन सबको एक साथ पीस लेंगे। मसाला पीस लिया है मैंने, प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची, 10-12 हरी मिर्ची ले ली है मैंने। अब इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी आ रही है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर, 1 कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल देंगे और अब इसमें सोयाबीन को फ्राई करना है तो सोयाबीन को पानी से निकालेंगे और इसे निचोड़ देंगे इसका पानी। इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। एक चम्मच और तेल ले लेंगे और अब इसमें आलू को फ्राई करेंगे। 3 आलू ले लिए हैं मैंने।
आलू फ्राई हो गए हैं, इसका गैस बंद कर देंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें डाल देंगे सोयाबीन और आलू। इसको डाल के भी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें जाएगा हरा धनिया, रख देंगे 15 मिनट के लिए। लॉन्ग ग्रेन राइस है ये और 500 ग्राम। एक बड़ा चम्मच दही डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। चावल डाल के भी इसको 2 मिनट तक भून लेंगे और अब इसमें डाल देंगे पानी। थोड़ा नमक कम है तो थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे दम पर लगा देंगे। इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे ढक देंगे। इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। रेडी है हमारा सोयाबीन का पुलाव। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। Thank you.